वेलकम माई किचन आर्मी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होम किचन। कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है मूंगफली और तिल की चिक्की। आप लोग बाहर खाते होंगे लेकिन आज हम इसको बनाएंगे घर में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैन ले लेंगे, एक कप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आप शुगर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर को मेल्ट होने तक वेट करेंगे। जब शुगर बीच से मेल्ट होने लगे, आपने साइड्स की जितनी भी शुगर है वो बीच में कर देनी है और मिक्स कर लेना है। और इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको, वरना ये जल सकती है। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे और बहुत लाइट सा कैरमल सा कलर लेके आएंगे इसके ऊपर। देखें ये मेल्ट भी हो गई है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया है। अब यहाँ पर साइड पे मैंने पानी भर के रखा है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो है वो टॉफ़ी की शक्ल में आ रही है या नहीं। पानी के अंदर आपने दो ड्रॉप डाल के चेक करना है और इसको तोड़ना है तो ये आवाज़ आएगी आपको टूटने की। अब इसके अंदर हमने पीनट डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको कोट कर लेना है शुगर कैरमल से, ठीक है। अब ये पैन जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है इसने। मैंने काउंटर पर साफ करके काउंटर को हल्का सा ऑयल लगा लिया है। आपने इसके अंदर ये अपना जो चिक्की है वो डाल देनी है, सॉरी इसके ऊपर काउंटर के ऊपर डाल देनी है। और स्पैचुला की मदद से या स्क्रैपर की मदद से आपने इसको इवन करना है, जो इसके साइड्स हैं वो भी इवन कर देना है। उसके बाद एक रोलिंग पिन लेना है आपने और इसको बेलना है ताकि ये इवन हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है। और हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। अब गरम गरम में ही आपने कट्स भी लगा लेने, जब ठंडी हो जाएगी तब आप कट्स लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टूट जाएगी, पूरी चूरा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने कट्स लगा लेने। अभी देखें ये तकरीबन जो है वो रेडी हो चुकी है लेकिन आपने थोड़ा वेट करना है। दूसरी तरफ इसी तरह मैंने 200 ग्राम शुगर ले ली है, यानी कि एक कप चीनी ले ली है। इसी तरह हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारा सा कलर देंगे। का बहुत प्यारा सा कैरमल जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर तिल शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये पैन जो है वो छोड़ देगा। अब मैंने काउंटर को नीट कर लिया है और साफ़ भी कर लिया है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब इसको डाल देंगे काउंटर पे। याद रहे कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। आपने स्क्रैपर ले लेना है, स्क्रैपर की मदद से इसको थोड़ा सा हम फैलाएंगे, ठीक है। और 2 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम बेलन चलाएँगे इसको स्मूथ करने के लिए। देखें इस तरीके से, और गरम गरम में ही आपने कर्ड्स भी लगा लेने हैं, छोटे बड़े अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरीके के भी कर्ड्स लगाने। देखें यहाँ ये सेट हो गया, इसको मैंने स्क्रैपर की मदद से निकाला है बाहर। अब इसको देखें ये सेट भी हो गई है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये इतनी ही ज़्यादा
अच्छी बनी है और बिल्कुल बाहर जैसी बनी है। तो आप ये है कि घर में आप बनाएंगे तो साफ़ सुथरे तरीके से बनेगी, बाहर हमें नहीं पता होता क्या चीज़ इसके अंदर किस तरीके की इस्तेमाल हो रही है, कितनी पुरानी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है चिक्की। चलें अब आप लोग अपने किचन में जाएं और जल्दी से इसको ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं, और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आप लोग ट्राई करके मुझे पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूँगी, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। को आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।